इन शॉर्ट नोट्स में ऐसा क्या है जिस वजह से मार्क्स इंप्रूव हुए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अपने बारे में मैं फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी फिजिक्स वॉज द सब्जेक्ट जिसको मैं बहुत ज़्यादा हेट करती थी समझ ही नहीं आता था क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होते थे आपको शॉर्ट नोट्स में ओनली फॉर्मूलाज ही नहीं मिलेंगे बट फॉर्मूलाज थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ए क्वेश्चन इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है ये बारिश का मौसम इज माय फेवरेट वेदर एवर अगर आपके वहाँ भी रेनी सीजन है you must enjoy. थोड़ा बाहर निकलो बारिश के मजे लो एंजॉय द डे सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट्स की शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस की एंड आई विल शो यू माय नोट एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे इन केस यू वांट देम फॉर रेफरेंस वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जैसे कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं हम इन्हीं शॉर्ट नोट्स को क्यों यूज़ करें और इनमें ऐसा क्या है कि हमें इनमें से पढ़ना चाहिए या वाई शुड बी यूज दिस शॉर्ट नोट्स इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अगर आप नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी गुड न्यूज फॉर यू कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी कोई ऐप होगी जहाँ पर आपको डी पी पी फ्लैश कार्ड्स टेस्ट क्वेश्चन बैंक टारगेट सेटिंग फीचर और बहुत कुछ ये सब आपको एक जगह पर मिलेगा हैव यू एवर इमेजिन दिस बट आई हैव गुड न्यूज फॉर यू नीट टारगेट बैच हैज थिंग्स मैं आपको बताती हूँ हाउ टारगेट बैच कैन बी लाइफ चेंजर्स यू सो ध्यान से सुनना अब यार आपको पता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कितने जरूरी होता है उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो पर्सनली मेरा फेवरेट है यू कैन क्रिएट यूर ओन डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सो आपने डी पी पी क्रिएट करनी है चैप्टर सेलेक्ट करना है अगर आप चाहो तो सब टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो वर्न आप पूरे चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है पी प्रिपरेशन में सेकेंड पॉइंट बताने से पहले आपको एक फ़ायदे की बात बताऊँ जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ना आप उस लिंक पे क्लिक करो और आपको एक्सक्लूसिव फ्री नोट्स मिलेंगे ऑल इंडिया रैंक वन सुभान सेन गुप्ता के सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है फ्लैश कार्ड्स तो जब आप फ्लैश कार्ड्स खोलते हो तो अगेन आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर चूज कर सकते हो इसमें से जो मोस्ट ऑफ लाइन है वो सब प्रीवियस ईयर एक्श्चन्स में आई हुई है तो मतलब इसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है एन की तो ये एक रिविजन करने का बहुत अच्छा तरीका है तो ये भी आपकी प्रिपेरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप किसी ड्रॉपर से पूछ लो टॉपर से पूछ लो टीचर से पूछ लो किसी से भी पूछ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसमें जैसे कि मैंने बताया हर ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 2005 थाउजेंड से लेके अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप इसमें ओ एम आर शीट फिल कर सकते हो टेस्ट दे सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं एक और चीज़ बताऊँ यू कैन क्रिएट योर कस्टम टेस्ट मतलब उन चैप्टर का टेस्ट जो आपने अब तक पढ़ लिया और डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस पड़ेगा अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है हम सोच के बैठते हैं कि यार इस वीक में तो फिजिक्स के चार चैप्टर करेंगे एक वीक बाद या एक मंथ बाद देखते हो कुछ नहीं हो पाता जो आप सोचते हो अब आप कोई भी टारगेट इजिली सेट कर सकते हो सेट यू टारगेट पर क्लिक करो एंड वो चैप्टर चूज करो जो चैप्टर आपको पढ़ना है एंड देन यू हैव टू चूज कि आपको रिवाइज करना है स्टडी करना है देन आपको इसमें आगे लिखना है कि आप कितने दिनों बाद टेस्ट दोगे एंड देन इट इज वेरी इजी टू यूज आप जब खुद बैच को एक्सेस करोगे आप खोल के देखोगे इससे भी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं और पता है इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है आप इसमें जो भी करोगे ना जो भी चैप्टर पढ़ोगे जो भी टारगेट सेट करोगे जो भी डी करोगे उस सबका कर ट्रैक आपके पास रहेगा आपको इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन नीट पैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी या मैंने डिस्क्रिप्शन में नीट पैप की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है सो गो फास्ट एंड एनरोल इन द बैच नाउ एंड बूस्ट प्रिपरेशन तो आगे बढ़ते हैं देखो अपने नोट्स दिखाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए उसका आंसर बहुत क्लियर है शॉर्ट नोट्स लाइक सॉल्ट इन योर फूड जैसे नमक के बिना खाना टेस्टलेस होता है ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के बिना कोई भी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती है अब आपको शायद पता होगा कि मैंने एम आर सर से पढ़ी है फिजिक्स तो यार उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि मेरा फिजिक्स का डर जो है वो कम हो गया और फिजिक्स इवेंचुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब बताए क्वेश्चन सॉल्व करने की फार्मूला कैसे याद करें क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाएं उसके लिए शॉर्ट नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की तो शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस यही था कि आप एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिविजन टूल है जिसमें आप फट से कुछ भी चीज़ रिवाइज कर सको फॉर्मूलाज लर्न कर सको बिकॉज यू नो फिजिक्स में सेवेंटी टू एटी परसेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में फॉर्मूला लगा के हो जाते हैं इसलिए पहले आई वॉज स्कोरिंग अराउंड सिक्सटी सेवेंटी समथिंग लेकिन जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मेरे जो मार्क्स थे वो वन सेवेंटी वन सिक्सटी वन सेवेंटी फाइव इतने तक आने लगे थे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ अब नाउ होकेंड क्वेश्चन अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाई दिस शॉर्ट नोट्स मतलब यू मस्ट थिंक यू डिड नॉट मेक इट वाई यू शूड यूज योर शॉर्ट नोट्स ठीक है इस बात को छोड़ते हुए कि आई मेड इट और डिड नॉट मेड इट ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ हुई है मतलब अगर फिजिक्स में आपके पहले हंड्रेड आ रहे थे आउट ऑफ वन एटी एंड अगर शॉर्ट नोट्स को लेने के बाद आपके वन सिक्सटी वन सेवेंटी तक जा रहा है तो वो ज्यादा मैटर करता है ये शॉर्ट नोट्स को पढ़ के मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं अब नाउ थर्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट नोट्स में ऐसा क्या है जिस वजह मार्क से मार्क्स इंप्रूव हुए देखो कोई एवरेज नॉर्मल बंदा अगर कोई शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेगा तो वो बोलेगा कि लॉन्ग नोट्स में से फार्मूला फॉमूला उठा के शॉर्ट नोट्स में लिखता तो कि इतना मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ सिर्फ फॉर्मूलाज ही नहीं होते हैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए मैंने ध्यान रखा कि एक चैप्टर के बहुत बड़े शॉर्ट नोट्स ना हो और सिंस मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बनाए थे तो उसमें मैंने बीच में जैसे एन पढ़ो या फिर आप नोट्स पढ़ो या फिर पी वाई क्यूज जैसे मैं पी वाई क्यू करती थी या मोटुल के क्वेश्चन करती थी तो उसमें जैसे उस कोई हार्ड क्वेश्चन आया उसमें कुछ न्यू फॉमूला न्यू अप्रोच यूज़ हुआ तो मैंने वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिया तो मतलब आपको शॉर्ट नोट्स में ओनली फार्मूलाज ही नहीं मिलेंगे बट फॉर्मूलाज थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड इफ़ यू डोंट बिलीव मी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि शॉर्ट नोट्स ने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की एग्ज़ाम में भी तो हाँ मैं तो यही बोलूँगी बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स बना सको या आप मैं जो आगे शॉर्ट नोट्स दिखाऊँगी आप उनको एज अ रेफरेंस ले सकते हो या फिर आप यही वाले शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हो मैं आपको बताऊँगा कि, कि आपको कहाँ मिलेंगे ये शॉर्ट नोट्स सो नाउ इज द टाइम कि मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊँ फोर शॉर्ट नोट्स है पूरे इलेवंथ और पूरे ट्वेल्थ के फोर पार्ट में डिवाइडेड है इलेवंथ पार्ट वन इलेवन पार्ट एंड ट्वेल्थ पार्ट वन ट्वेल्थ पार्ट टू आई बिलीव एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ओके आप नोट्स देखो तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैंने ऑल दो बहुत छोटा छोटा लिखा है मतलब फॉर्मूलाज को लेकिन पिच नहीं हो गया यार मुझे ही पढ़ना है तो ऐसा है कि बाद में पढ़ने में समझ में आ जाए तो अब आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हाईलाइट भी किया हुआ है अगेन हाईलाइट करना ना करना इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि यार क्यों नोट्स को कलरफुल बनाएं एंड ऑल कुछ लोग आर फाइन विद इट हाईलाइटर को ये नहीं है कि तुम नोट्स को सजा रहे हो वो कोई सजाना नहीं है आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप हाईलाइट करो तो अब जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूलाज देख रहे हो यार ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और इनको करने के बाद जो ये 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 है ये जो रेशोज हैं इन वाले रे को करने के बाद जब क्वेश्चन बने थोड़ा थोड़ा थड़ क्वेश्चन बनते गए हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मतलब एक सेकंड में सोल्व हो रहा है मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन भी इन फॉर्मूला से करके देखे कितना इजीली हो रहा है अब मैं फर्स्ट टाइम में मैंने पढ़ा आई वाज रियली रियली शॉकड ये कर लेना ना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे आप, आपको ज़ीरो टू एक्स तक डिस्टेंस पे जाना है जैसे एग्जाम्पल देती हूँ ज़ीरो टू एक्स तक आप गए मतलब फॉर एग्जाम्पल आप टेन मीटर चले इन टेन सेकेंड तो अब आएगा कि अगली टेन सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस चला होगा और अगली टेन सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस चला होगा तो उसका बहुत अच्छा यू नो नेक्स्ट टी सेकेंड और रेशो एक्स इन नेक्स्ट टी सेकेंड तो उसका जो रेशो होगा वो होगा वन रेशो थ्री रेशो नाइन ठीक है और अगर आपसे पूछे कि शुरू के दस सेकेंड में दस मीटर चला है पूरे बीस सेकेंड में कितना चला होगा तो उसका आप लोग यानी कि एस टी एस टू टी एस थ्री टी मतलब बीस सेकेंड में तीस सेकेंड में कितना चला होगा तो उसका रेशो होता है वन रेशो फोर रेशो नाइन तो ये जो फॉर्मूलाज हैं दे आर माई फेवरेट और ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं तो इन सबको आप बहुत अच्छे से कर लेना ये ये बहुत अच्छी चीज़ है अब बचाते हैं टू डी मोशन इसमें ये जो सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज हैं ये भी बहुत अच्छे हैं ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री इनके बेस से भी क्वेश्चन आते हैं सो so, आप इनको अच्छे से कर लेना और भाई ये भी दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट इससे भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं ये जो चीज़ें टैप प्रॉब्लम ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत आई हुई हैं देखो इसमें Uh, कुछ फार्मूलाज डायरेक्ट लिखे हैं तो अगर आपको उनका रेफरेंस समझना है तो आपको लॉन्ग नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड जो लॉन्ग नोट्स है उसकी लिंक बै आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लॉन्ग नोट्स इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है लेकिन शॉर्ट नोट्स इजीली एक्सेसिबल होंगे डोंट वरी सो कुछ फार्मूलाज हैं डायरेक्ट लिखे हैं उनका आपको रेफरेंस समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी मेक श्योर यू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ये भी क्वेश्चन आता है ये वाला इसमें ये पूछते हैं नीचे से ऊपर कुछ चीज़ शॉर्ट की तो कितने डिस्टेंस तक जाएगी सो फॉर एग्जाम्पल अगर थर्टी डिग्री एंगल पर शॉर्ट की तो साइन थर्टी हाफ ठीक है तो वो इसके प्रपोर्शनल है और अगर दूसरा जो इंक्लाइन है अगर वो सिक्सटी डिग्री के एंगल पर है तो सिक्सटी डिग्री पे गई तो साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू आप इनको इन्वर्स लेके रेशियो लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो मेक तो श्योर sure कि आप इनको अच्छे से करो रिवर मैन ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड रेन मैन प्रॉब्लम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर ये आ गया सर्कुलर मोशन ठीक है ये ध्यान रखना एवरेज एसिलरेशन इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन और लॉज ऑफ मोशन काइनामेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन आपको जैसे ये वाला फॉर्मूला है ये आपको अगर एंगल वहाँ का दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे मोमेंटम का अगर यहाँ दे रखा है तो यहाँ से इसमें देखो मैंने ऐसे बनाया है कि जैसे अगर एंगल को अगर एंगल क्लोज है एक दूसरे के मतलब कोजी, कोजी एंगल जो है दूसरे के कोजी, -कोजी हैं तो हम यहाँ पे थीटा यूज करेंगे टू एम बी कोस थीटा सो so ऐसे अब कुछ चीज़ें रिलेट करके याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा याद रहती हैं इसका ट्रेडिशनल वे होता है इन टाइप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये होता है जैसे ये पुली है दिस इज मास एम वन एंड दिस इज मास एम टू यहाँ एसिलेशन लगा के यहाँ एसिलेशन लगा के फिर यहाँ की अलग इक्वेशन बना के यहाँ के अलग इक्वेशन बना के मतलब एम वन जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम एम टू ए सॉरी और यहाँ हम लगाएंगे टी माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए फिर इन दोनों में से टी निकाल लेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग काइंड ऑफ मेथड हो गया इसको आप शॉर्ट में यहाँ से यहाँ से टेंशन निकाल सकते हो नाउ फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी इम्पॉटेंट है एक बार ना मैं ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक हो गई थी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है फोर्स अप्लाइड से अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाता है दिन मोशन जीरो होता है और इसमें मैं बहुत ट्रिक हो गई थी और मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था तो मुझे वो अभी तक याद है इसमें ध्यान रखना मोशन जीरो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए और अगर अगर अप्लाइड फ़ोर्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा एंड एसिलिडेशन भी होगा ये जो तीनों है ना ये वाली भी इनको इसका भी ध्यान रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसमें ये ये वाला ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा ये वाला फॉर्मूला याद रखना दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जैसे कि इस पेज पे जो है ये वाला ये मैंने नोटबुक से लिखे है लेकिन जो इस पेज पे है ना ये वाले ये क्वेश्चन से लिए हुए फॉर्मूलाज हैं तो वही मैं आपको बोल रही थी कि इसमें क्वेश्चन से लिए हुए फार्मूलाज भी हैं सेंटर ऑफ मास भी इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं शिफ्ट वाले अगर अम, इस मास को शिफ्ट कर दिया देन सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा सर्कुलर आर्क के इस इस आर्क का सेंटर ऑफ मास बताओ इस आर्क का सेंटर ऑफ मास बताओ तो वहाँ आपको बस ये एंगल की वैल्यू पुट करनी है एंड आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ठीक है यहाँ मैंने लिख भी रखे हैं कुछ चीज़ों के ये प्लान प्रॉब्लम ये भी बहुत आती है फिर आ जाता है आपका वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी आई फील एक ऐसा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी इज़ ईजी बट इज़ ट्रिकी इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं बट ईजी हैं अगर आपको एक बार क्वेश्चन में अप्रोच लगाना आ गया क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये ये वाली जो चीज़ें हैं ना कि ये सर्कल हुआ यहाँ पे एक टेंशन यहाँ टेंशन यहाँ टेंशन और इस टाइप से आता है कि वही यहाँ से कितना कितनी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए किस रेंज में होनी चाहिए टू कंप्लीट अ सर्कल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं दिस इज़ आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये जो सर ने जिस टाइप से चीज़ें पढ़ाई थी मेरे दिमाग में अभी तक एनग्रेवड है सर ने आई रिमेंबर ही गिव एन एग्ज़ाम्पल अबाउट समथिंग अगर आपने लेक्चर देखा होगा यू मस्ट नो वो एग्जाम्पल जो दिया था उससे बहुत अच्छा याद हुआ था ये वाला सो so, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार और भाई इसमें से तो आते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है <laughs> ये इम्पोर्टेंट है नो no डाउट इसमें से क्वेश्चन आते हैं देन आपका ओब्लिक कोल्यूशन आया इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं ओब्लिक प्ल्यूशन में से फिर भी कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग करने के लिए यू शुड स्टडी इट ये इम्पोर्टेंट जैसे ये वाला मोमेंटम का ये इम्पोर्टेंट है इसमें आपका ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट येट वेरी स्कोरिंग चैप्टर ग्रेविटेशन इसमें सारी चीज़ें तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसी या पोलो सॉलिड स्पेयर और सब इसमें ग्रेविटेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं यहाँ से हाइट एंड डेप्थ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है उसके बाद ये भी आते हैं पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ये वाला जो पेज है ये भी मैंने क्वेश्चन या फिर थ्योरी को पढ़ के लिखा है ठीक है ये वाले ये भी क्वेश्चन आता है इस वाले फॉर्मूला पर भी उसके बाद आ गए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर इसमें आपका सॉलिड है फ्लुइड है रोटेशनल मोशन आपको आगे मिलेगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का बेस है ये आते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन विद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देन यू हैव थर्मल फिजिक्स थर्मल फिजिक्स में आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मोडाइनमिक्स एंड के वो सब इसमें है तो सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है आई रियली लव थर्मल फिजिक्स इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मुझसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थर्मल फिजिक्स के सो आई रियली लव दिस मुझको ये काफ़ी इजी लगती है थर्मल फिजिक्स इस चैप्टर के मुझे इसलिए इजी लगती है कि इसकी मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है मतलब मैंने पूरा एक दो हफ्ते तक थर्मल फिजिक्स ही की थी एक टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छे से आती है तो इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ये 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 भाई ये ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा कट हो रहा है साइड से उसके बाद वी गॉट एस एच एम एंड ऑसिलेशन एस एच एम मुझे इतना पसंद नहीं है ठीक है मतलब ये इसके बेस फॉर्मूलाज हैं ये ज़रूर कर लेना आपके इस चैप्टर के सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बन जाएंगे ये ज़्यादा ये ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आपका टाइम पीरियड वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था फार्मूला और पता है मैंने इसमें क्या गलती करी थी जैसे कि ये ये वाला जो फॉर्मूला आया था मैंने एग्जैक्ट फार्मूला लगाया था एंड जस्ट इतनी सी माइनर मिस्टेक की वजह से वो गलत हुआ था मैंने याद किया था एन के साथ बड़ी वाली वैल्यू जाएगी और एन प्लस वन के साथ छोटी वाली वैल्यू जाएगी लेकिन मैंने उल्टा कर दिया था मैंने एन के साथ छोटी वाली वैल्यू रखी थी और एन प्लस वन के साथ बड़ी वाली टी की वैल्यू रख दी थी तो जस्ट वो उल्टा होने की वजह से गलत हो गया था एन फोर मार्क्स डिडक्टेड उसके बाद वेब्स आता है वेब्स में भी ये कुछ एक दो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ये यह वाला फार्मूला v इज इक्वल्स टू टी अपन म्यू होल रूट ये भी आपको पता होना चाहिए ये तो हम बहुत जगह पढ़ते हैं वेब ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे ये वाली चीज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये सब चीज़ें उसके बाद आता है सोनोमीटर ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप पहले मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी किस में वन टू थ्री है किस में वन थ्री फाइव है बट अब जब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब इसमें अब गलती नहीं होती है उसके बाद ये आपका डॉपलर्स इफेक्ट आ जाता है अगेन पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी चीज़ें पास आ रही हैं दोनों दूर जा रही हैं दोनों ऐसे दूर जा रही हैं दोनों, है, दोनों ऐसे आ रही हैं तो उसमें किस में माइनस किसने प्लस किसने माइनस किसने प्लस अगेन इसने फिर हमारे सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी जिसके बाद मुझे आज तक तो कभी डाउट नहीं आया तो आप वो शायद यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगी उसके बाद ये मैंने शायद रोटेशनल मोशन का जोड़ दिया यहाँ पे मेन uh, वाले रोटेशनल मोशन के शॉर्ट नोट्स में नहीं है वाले याद कर लेना ये भी इम्पोर्टेंट है इन सब से भी बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है जिस मैंने एज एन एक्स्ट्रा जोड़ दिया था रिलेशन uh, है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चार्ज डेंसिटी एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का और ये आई गेस